विशाल इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेवल शो ओटीएम मुंबई, जिसका आयोजन आमतौर पर फरवरी में किया जाता है, अब विश्व स्तरीय प्रदर्शनी स्थल जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बीकेसी में वापसी कर रहा है। इस बार शो का आयोजन 13 से 15 सितंबर 2022 के बीच होगा। बूस्टर एडिशन के नाम से यह ओटीएम एक ही साल में दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये शो उन गतिविधियों को बढ़ावा देने में मददगार होगा जो महामारी के बाद पर्यटन को नए स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है। पहले संस्करण का आयोजन इसी साल मार्च में किया गया था, जिसके बाद दूसरे बूस्टर एडिशन की आवश्यकता महसूस की गई, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो उस समय महामारी के प्रभाव के बाद शो में हिस्सा नहीं ले सके। इस एडिशन में बड़ी संख्या में विदेशों, सऊदी, रूस, कतर, कोरिया, मॉरिशियस और इंडोनेशिया से प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नाम संजीव अग्रवाल है, मैं फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड, जो कि दिस ओटीएम नामक प्रदर्शनी के आयोजक है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। ये एक 3 दिन की प्रदर्शनी फर्स्ट टाइम यहाँ जियो में इंटरनेशनल ट्रेवल ट्रेड फेयर, जिसमें कि 500 से ज़्यादा विदेशों से और सारे भारतवर्ष से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये एग्जिबिशन में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी डेस्टिनेशन खुली हुई है जहां सैलानी जा सकते हैं, क्योंकि अब ये कोविड के बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी डेस्टिनेशंस खुलती जा रही हैं और इसमें सभी को उम्मीद है कि जो एक ये जो मार पड़ी कोविड के दो साल लगभग लॉकडाउन वगैरह के कारण इतनी जोर मार पड़ी इस पर्यटन उद्योग पर कि ये बिल्कुल घराशायी हो गया और इसमें हम इसको फिर से एक अच्छे उसके हेल्थ की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रदर्शनी में हमारे यहाँ विश्व के बहुत से बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स, जैसे रशिया से एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन आया है और सऊदी अरेबिया से बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन आया है, इसके अलावा कतर और इंडोनेशिया और कोरिया और ऐसे बहुत से देशों के बड़े बड़े पवेलियन लगे हैं और उनके वहाँ से उस पवेलियन में उनके प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स जो होटेलियर, वो डायरेक्टली यहाँ पर लोगों को बताना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, सब कुछ सेफ है, बिल्कुल ओपन है और हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। ऐसे ही हमारे भारतवर्ष में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का बहुत बड़ा पवेलियन है, इसके अलावा गुजरात, गोवा, अंडमान निकोबार, केरला और ऐसे बहुत से राज्यों के बड़े बड़े पवेलियन हैं और इनके भी होटेलियर सब वहाँ पर बैठ के बता रहे हैं कि भाई आप ये जो इतना बड़ा यहाँ पर एक दिवाली और जाड़े का टूरिज्म का सीज़न आता है उसमें बहुत लोग जाते हैं, तो ये इनको बताने आए हैं कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। पर्यटन मंत्री यहाँ के महाराष्ट्र के लोढ़ा साहब आज मॉर्निंग में आए थे और वो बहुत इम्प्रेस होके गए हैं, वो हमारे साथ कोलाबरेट करके और कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं जिससे कि महाराष्ट्र में भी पर्यटन को बढ़ावा मिले। दो शब्द मैं कहना चाहूँगा, ये रशिया और भारत के बीच में पर्यटन की एक बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोग न भारतीय रशिया जाते थे और न रशियन भारत आते थे, लेकिन अभी जो दुनिया भर में एक चल रहा है चक्कर, या तो ये कोविड का या फिर वीज़ा प्रोसेसिंग में डिले है और या फिर कुछ जो उनकी इकोनॉमिक रिसेशन है वेस्टर्न कंट्रीज़ में और कुछ थोड़ा वॉर लाइक सिचुएशन कुछ कुछ प्रांतों में है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो कुल मिला के देखिए तो अभी भारतीय जो बाहर जाना चाहता है उनको बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं मिल रही है क्योंकि वीज़ा में बहुत डिले हो रहा है वेस्टर्न कंट्री का। तो ऐसे टाइम में रशियन यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आप रशिया आइए, आपको उसी स्टैंडर्ड की या उससे भी अच्छी स्टैंडर्ड की बहुत सुंदर डेस्टिनेशंस मिलेंगी। और अभी जो करीब 1 लाख भारतीय कोविड के पहले रशिया जाना जाते थे वो शायद 10 गुना या उससे ज़्यादा भी हो सकता है आने वाले टाइम में। वैसे ही रशियन जो इंडिया में आते थे वो काफ़ी बढ़ सकता है, अभी तक वो गोवा और कुछ प्रांतों में ही जा सकते थे लेकिन वो अब सारे भारतवर्ष में जा सकते हैं क्योंकि उनके लिए भी अब पश्चिमी देशों में जाने में अभी कुछ दिक्कत है, कुछ उनको रोक लगाई जा रही है, तो वो इंडिया आ सकते हैं। तो इस उद्देश्य से हम दोनों पक्षों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और रशिया का एक जो पुराना जो ये दोस्ती का संबंध रहा है ये टूरिज्म के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर सकता है।